अबे काली आ गया तो हमें मार डालेगा। चुपचाप चल, मेरी बात तो सुन। चल यार, अबे अरे क्या, चल चल सब बाद में देख लेंगे। चल मेरी बात मान लो। ए आ जाओ। अरे आओ ना। ए तू वहां पर जा, तू यहां जा। आजा आजा चल चल चल। ए, कुछ पैसे दिखाई दिए तुझे? मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, रहने दो। वो काली आ गया तो हमें जान से मार डालेगा, निकलते हैं यहाँ से। अरे बताना यार। अरे वो बात नहीं है मेरी। अबे अंदर कोई तो है, पक्का वो कालिया ही होगा। मेरी बात मानो, चलते हैं यहाँ से। कितना डरता है, क्या करेगा डर के इतना? अच्छा सुन, तू पहले चल। अरे चल हमारे साथ, चल चल। अरे चल चल, सुनो सुनो सुनो। अरे अरे मेरी बात तो सुनो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? प्लीज 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 यहाँ से चलते हैं यार, यहाँ से चलते हैं। मेरी बात सुनो ना प्लीज। अब यार ये कौन है? ए चुप ना। अरे मेरी बात मानो, चलते हैं यहाँ से। चुप। निकलो यहाँ से। पहले महारानियां यही जेवर पहनती थीं क्या? ऐसे तैयार होती थीं? ये निजाम की रानी के इस्तेमाल किए गए जेवर को देखकर बनाया गया है। भाई महाराजा जैसे लग रहे हैं आप। महाराजा की तरह नहीं, महारानी की तरह। भाई भाई लड़का मिल गया भाई। बोलिए भाई क्या करना है भाई? बोलिए तो मार डाले इसे। बोलिए भाई। भाई छोड़ दो भाई मुझे। भाई बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। भाई भाई आपका पैसा मैं वापस कर दूंगा। भाई भाई मुझे माफ कर दो भाई। भाई प्लीज, गलती हो गई भाई, दोबारा ऐसा नहीं होगा भाई, छोड़ दो मेरे को भाई। भाई भाई प्लीज भाई। भाई भाई मुझे गलती। मेरा कॉन्फिडेंस पूरे महीने भर से धीरे धीरे कम होता जा रहा था, आज मौका आया है। बीते दिनों में मैंने जो कुछ भी खोया है मुझे वापस चाहिए। काली काली, कुछ लोग यहाँ आए थे काली, हमारे कोठे पर आए थे काली, आकर जिंदा भाग गए वो लोग। वो लोग जिंदा नहीं बचने चाहिए काली, अगर वो बाहर चले गए तो वो सब कुछ बता देंगे। उन्हें मार डालो, उन्हें मार डालो काली, उन्हें मार डालो काली, वो जिंदा नहीं बचने चाहिए।
ए तू ही फर्स्ट है। मुझे पसंद नहीं है यार, तू ही फर्स्ट है। ठीक है, तीनों एक साथ ही करते हैं। रेडी, 1 2 3। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे यार। सोचा था कि ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे, पर देख रहे हो ऐसे बर्थडे मनाना पड़ रहा है। चीची, सभी हैप्पी बर्थडे कहने के बजाय हैप्पी फूल्स डे कह रहे हैं। अरे अबे, हम लोग जानबूझ करके आज के दिन ही पैदा हुए थे। अप्रैल फूल के दिन पैदा होना बहुत बड़ा पाप होता है। अब पूरी जिंदगी अपना बर्थडे हमें ऐसे ही सेलिब्रेट करना पड़ेगा। एक काम करें क्या, बर्थडे डेट को हम बदल देते हैं। अगर बदलना है तो डेट नहीं यार, फेट बदलो। अब बस हो गया, मुझसे अब ये सब कुछ सह नहीं होता। अप्रैल फर्स्ट में पैदा होना क्या होता है, हमें दुनिया को बताना होगा। हमने अप्रैल फूल नहीं बनाया है, पैसे हमारे हाथों में फूल होना चाहिए। जैसे हम परेशान हो रहे हैं, ऐसा हर एक को परेशान होना चाहिए। आज के बाद जितने भी बच्चे हैं वो इसी डेट को पैदा होंगे। वो स्टेटस लाने के लिए हमें मिनिमम मिलियनेयर्स बनना होगा। अगली बार इस समय तक हमें टारगेट पे पहुंच जाना चाहिए। पिछले साल भी हमने यही सोचा था। ये सब नहीं यार, आज के दिन से हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे को मनी में बदलना होगा। वी विल ईट फॉर मनी, स्लीप फॉर मनी, ड्रिंक फॉर मनी। सॉरी यार, सॉरी यार, लग गया। कोई बात नहीं, एक बार फिर से करते हैं, सिर्फ मनी के लिए। कस्टमर इज गॉड, व्हाट डू यू थिंक? नो सर, कस्टमर इज अ रॉड। हाउ? बैंक में कस्टमर्स गॉड जैसा लोन लेकर एक रॉड में बदल जाते हैं ना सर। रिकवरी एजेंट का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? निर्दयी रूप से सैडिस्ट बनना। लिसनिंग, रिकवरी के लिए कस्टमर को मानसिक रूप से चबाना चाहिए, जरूरत पड़ने पर शारीरिक रूप से धो देना चाहिए। कंटिन्यू, लिसनिंग। जब हम रिकवरी के लिए जाए तो उसके पास से पैसे मिलने चाहिए या फिर उसका ब्लड निकालना चाहिए। यस, समथिंग मोर, टेक इट मैन। हमारे परफॉर्मेंस से या तो बैंक रन होनी चाहिए या तो हमारे पास ब्लड बैंक रन होनी चाहिए। वेलकम माय बॉय, तुझे देखकर लग रहा है कि इंटेलिजेंस को इंसर्ट करके टैलेंट को टाई बांध दिया गया है। तेरे जैसे छोटे शार्क के लिए हमारा एजेंसी कई महीनों से राह देख रहा था। तेरा काम देख के प्रमोशन और परसेंटेज मिलेगा, जितना निचोड़ोगे उतना। इन सब ने हमसे कर्जा लिया है। तेरी भाषा में कहूं तो रॉड, ये है जिद्दी रॉड। सिंपली 2 फोन कॉल्स, 4 गाली दोगे तो काम हो जाएगा, कमीशन 10%। 10%? ये बहुत जिद्दी रॉड है, कॉल से कुछ नहीं होगा। घर जाके 4 लोगों के सामने इज्जत का कचरा करना होगा, इसमें तेरा कमीशन होगा 20%। 20% क्या? ओके। ये जिद्दी से भी जिद्दी रॉड है, मेहनत से निचोड़ने तक जिद नहीं छोड़ेगा। तेरे अंदर के सैडिस्ट को बाहर निकाल के ब्रेक डांस करवाना होगा, इसमें तेरा कमीशन होगा 30%। 30%? चॉइस इज योर्स। वैसे छोटे पहाड़ पसंद नहीं है सर, चढ़ूंगा तो एवरेस्ट पे ही। ये मेरा फर्स्ट रॉड। शशि रेखा, ये है 54,50,000, मतलब मेरा कमीशन हो गया 15 लाख। डन सर, चेक रेडी कर लो। देखो शशि रेखा, तुम क्या करोगी मुझे पता नहीं है। तुम्हारा कर्जा 54 लाख जब तक पे नहीं करोगी मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। अरे मैं शशि रेखा नहीं हूँ, मेम साहब तो अंदर हैं। कहाँ पर है? बाहर आने के लिए बोलो, आज पैसे देने ही होंगे। मेम साहब, मेम साहब। पेपर है दीदी? भैया ये लो पैसे। हाँ? अभी तो एक दिन टाइम है दीदी, आप बिना भूले हर महीने टाइम पे पैसे दे देती हैं। आपके पास है समझो बैंक में जमा है। कल भी तो लेना ही है ना, ये लो। थैंक यू। चलती हूँ मेम साहब। लक्ष्मी, ये लो तुम्हारी सैलरी। अरे ये क्या मेम साहब, कुछ लोग मांगने पर भी नहीं देते और आप बिना मांगे ही दे देती हैं। मैं चलती हूँ मेम साहब। आप? मेरा नाम है जय, शार्क एजेंसी से आया हूँ। आपने जो लोन अमाउंट लिया है वो अब तक पूरा नहीं किया, 24 मंथ्स में सिर्फ 6 मंथ्स ही पे किया है। अब मतलब 6,66,088 पे किया है और 18 मंथ्स ड्यू है, मतलब 33,40,896। उसका इंटरेस्ट प्लस लेट फी मिलाकर टोटल 54,50,800 रुपीस, राइट? करेक्ट। अभी अगर आप 50% पे कर देंगी तो बाकी का आप 2-3 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकती हैं। क्यों,
पूरा पे कर देती हूँ ना, आपका चेक रेडी करके रख दूंगी आज, कल आकर ले जाइएगा, आज मुझे बहुत देर हो गई है। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। ओके, यूजुअली एजेंट्स घर आकर झगड़ा करने लगते हैं, फर्स्ट टाइम देखा है आपको जो इतनी पोलाइटली बात कर रहे हैं। आप रिकवरी एजेंट जैसे तो नहीं लगते, ह्यूमन राइट्स के एजेंट लगते हैं। सच में आप जैसे हम्बल पर्सन पता नहीं किस लड़की की लाइफ में जाएंगे, शी विल बी वेरी लकी। सॉरी मैं आपको बताना ही भूल गई, If you don't mind, मुझे देर हो रही है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, आज का दिन एडजस्ट कर लेता हूँ। प्लीज। कभी कभी जिंदगी में खुशकिस्मती एक ही साथ आ जाती है। आपसे सिर्फ तुम दोनों एक साथ रहोगे। आ बेटा। अंकल वो शशि तुम्हारे बारे में पहले ही बता चुकी है। इतनी जल्दी मेरे बारे में बता भी दिया? कह रही थी बहुत जंबल हो तुम। जंबल नहीं अंकल, हम्बल। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले दायां पैर अंदर रखना चाहिए। ओके अंकल। आ जाओ। लाइफ इज मैजिक अंकल। वो भगवान किसको कहां मिलाता है किसी को कुछ पता नहीं। हाँ बेटा, कुछ लोग देखते ही पसंद आ जाते हैं। लड़की का सिलेक्शन क्या बात है। वैसे वो मास्टर बेडरूम है और वो रहा एक और बेडरूम अटैच्ड, और वो देखो वहाँ किचन है और इस तरफ है डाइनिंग सेटअप, सब वास्तु के हिसाब से है। वैसे तो मैं उसके लिए बहुत जल्दी कनेक्ट हो गया हूँ अंकल, लेकिन वो भी इतनी जल्दी हो जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था। घर पसंद आया ना बेटा? लड़की जब पसंद आ गई है तो घर का क्या है अंकल, दीवार पर कील लगा हुआ भी पसंद आएगा। तो हम फॉर्मेलिटीज की बात कर लें क्या? वो सब तो ओके अंकल, लेकिन वो चेक चेक हो या कैश तुम्हारी मर्जी। वो बात नहीं अंकल, वो चेक देना होगा ना आपकी बेटी को। मेरी बेटी को? ये क्या बात कर रहे हो तुम? मेरे साथ खेल रहे हो अंकल, आपकी बेटी के बारे में। कौन सी बेटी के बारे में भाई, एक मिनट रुको। ये देखो ये मेरी बेटी, उसका पति, उसका बेटा और उसका पोता। तो फिर शशि? शशि तो यहाँ पेइंग गेस्ट बन के आई थी, कल उसका टाइम खत्म हो गया और वो चली गई। ये बताओ तुम यहाँ रेंट पे रहने के लिए आए हो ना? रेंट? ऊपर वाले आइए और पाइए, रंग बिरंगी टोपियाँ लेकर जाइए, मन माफिक टोपियाँ बहुत सारे कलर्स में, भाई साहब लीजिए, भारी डिस्काउंट में टोपियाँ लीजिए। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठा? ये चेक कल ही रेडी हो गया था। क्या हुआ भाई? सर वो मामूली रोड नहीं है सर, एड्रेस बदल दिया, अब वो मिल नहीं रही है। तो तुम उस दिन परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, परसेंटेज की बात कर रहे थे, ब्लड कह रहे थे, ये वो बोल रहे थे, फिगर देख के विश्वास बदल गया क्या? नो सर, अ बैड हंटर चेजेस अ गुड हंटर वेट्स, वो किसी भी होल में हो चालाकी से ढूंढ कर पकड़ लूंगा। दैट्स माय बॉय। अरे इसकी तो इसमें डर नहीं है लेकिन भक्ति बहुत कूट कूट के भरी है। देखिए पंडित जी, आपने पैसे बहुत महीनों से नहीं दिए हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं कमेटी में कंप्लेन कर दूंगी, आपकी नौकरी चली जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो बेटी, अभी देता हूँ, ये लो बेटी। बापरे, ये मामूली लड़की नहीं है। ए, क्या रे, तूने अगर पैसे नहीं दिए ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी। बस आज के दिन का टाइम मैं कुछ नहीं सुनूंगी, चल पुलिस स्टेशन। इसकी भैंस की टांग, ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। हाँ ठीक है। चिकन 65 या कुछ और मंगाओ। इंटरेस्ट 65K मंगवाओ। बहुत ड्राई सीजन है, एक भी जनता नहीं आ रही है। acnews.com कहानियां मत सुनाओ। लेते वक्त क्या कहा था कि टाइम पर दे ही दूंगा, लेकिन पैसे लौटाते वक्त पैसे देने के बजाय गरीबों वाले एक्सप्रेशन देते हो। अरे लेकिन 20% क्यों?
कितना भी भरो कमी नहीं होता। बापरे 20% इंटरेस्ट। लेते वक्त इंटरेस्ट के बारे में पूछते नहीं हो और देने के टाइम इंटरेस्ट के लिए पैसे नहीं होते। अगर चाहिए तो दो फुल बोतल लेकर के जाओ। दारू की कसम दो दिन में दे दूंगा दीदी। जब तक पैसे नहीं दोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। हाय जय जी, आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है मुझे। मैं सुबह से आपको फॉलो कर रहा हूँ। आप दूसरी लेडी नीरव मोदी है। आप बैंक से लोन लेती हो और ज्यादा इंटरेस्ट में लोगों को लोन देती हो। क्या ये आज आपको छोड़ देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें हमारे पैसे चाहिए। मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूँ, वो सब मुझे मत बताओ। मैं आपके ही काम में लगी हूँ। एक मिनट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले बैठ जाइए प्लीज। आई एम प्राउड ऑफ यू दीदी, लड़कियों को इतना ही फास्ट होना चाहिए। अभी लेकर के आता हूँ। ये सब करना मुझे पसंद नहीं है, पर मेरी सिचुएशन आप समझ नहीं सकते। असल में ये सब आपके लिए ही कर रही हूँ। सबसे रिक्वेस्ट करके आपके ही पैसे जमा कर रही हूँ। और आप सोच रहे हैं कि मैं पैसे देने से बच रही हूँ। मुझे मेकअप किट खरीदे हुए पता है कितने महीने हो गए हैं। वैसे भी मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ। ये लीजिए आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50,000 कम है। बाकी का पेमेंट अगले 2 दिनों में क्लियर कर दूंगी। क्यों भरोसा नहीं है क्या? ठीक है, ये लीजिए मेरा नया एड्रेस और ये नया फोन नंबर लीजिए। कोई बात नहीं, अर्जेंट तो बिल्कुल नहीं है, एक ही साथ दे दीजिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। वैसे भी आपकी सिंसियरिटी आपका मेकअप किट है। थैंक यू सो मच। सच कहूँ तो बाकी के एजेंट्स कैसे बात करते हैं पता नहीं आपको। सामने वाला किन हालातों से गुजर रहा है समझने की कोशिश ही नहीं करते। ये लीजिए ना प्लीज। हाँ जी, सैडिज्म भी हीरोइज्म हो गया है आजकल। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग मी फ्रेंड्स। या क्या तू प्रपोज करने वाला है? वेट एंड सी। ये पकड़, जस्ट मेरा टाइमिंग सिंक हो जाए काफी है। शशि शशि शशि, कौन है आप? क्या चाहिए? शशि मैं हूँ। मैं हूँ मतलब? अरे पहचानो, मैं हूँ जय। आज हमने मिलने की बात की थी ना शशि। किस लिए? भाई आज सेटलमेंट है ना शशि। किसका सेटलमेंट? अरे वो लोन का पैसा आज दोगी बोला। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे गर्लफ्रेंड को बुलाते हैं शशि 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 कहकर मत बुलाओ मुझे, मैं इरिटेट हो रही हूँ। ये ले बुके दे दे। अब मैं समझ गया, फिर से नाटक शुरू कर दिया। लगता है ये मेरे बारे में जानती नहीं है। सेक्शन 304 के तहत। कौन है पे पीछे से बोल रहा है? भाई मैं हूँ भाई। कस्टमर लोन के पैसे अगर नहीं भरता है तो पहले कॉल करना चाहिए या मेल करना चाहिए। तूने क्या किया? ब्लैकमेल कर रहे हो? इज्जत से पैसे मांगना चाहिए। पर तूने क्या किया? हर जगह फॉलो किया। दरअसल 6 बजे के बाद मिलना ही नहीं चाहिए। तूने क्या किया? बार में मिला। इतना ही नहीं, जबरदस्ती उसके पैसे से ही पेट भर के पी लिया। इतना ही नहीं, मेरे क्लाइंट को धमकी देकर रेप अटेम्प्ट भी किया। अच्छा, अगर मैं रेप अटेम्प्ट करता तो ये सेल्फी खींचती क्या? फोटोज ठीक से देखो, मेरी क्लाइंट की आंखों में डर है और तेरी आंखों में वैशीपन। मेरी क्लाइंट ने रिस्क लेकर हिम्मत से फोटो लिया है ये। और इतना ही नहीं, अभी तुम क्या कर रहे हो? 2 गुंडों को लाकर परेशान कर रहे हो। असल में तुम पर कितने केस हो सकते हैं पता है? जज जी को 5 मिनट भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें फांसी होगी और तुम दोनों को उम्र कैद। अबे इतना चिल्ला रहा है क्या? लात मारूंगा तो मिट्टी में मिल जाएगा, समझा? पहले बताया भी था मेरे बॉस ने, लेकिन मैंने ही सुना नहीं उसका। असल में तो 30% रॉड नहीं है, 100% का रॉड है। तुझे तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों भाई, सब ठीक से रिकॉर्ड हो रहा ना? हो गया सर। अभी क्या कर रहा है? सोचा था तेरे केस में 294 सेक्शन ही बच गया था, वो भी तूने पूरा कर दिया। पीवीएस क्रॉस भी रेडी है, अब तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। है पुलिस स्टेशन में फोन कर, पुलिस को बुलाएगा क्या तेरी? अरे 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 सब रिकॉर्ड हो रहा है इतना बड़ा धोखा। हाँ धोखा है। Where there is lie, their friendship will die. हमारी फ्रेंडशिप किसने खत्म ही कर दी जब इसने हम दोनों को बिना बताए पूरी दारू पी ली। मेरा दिमाग खराब है इसलिए मैं रो रहा हूँ और तुम लोगों की दारू के लिए रो रहे हो? अरे उसने पिला के ट्रैप कर दिया है, वो तो हमारे गेम प्ले का एक पार्ट था। अरे कभी मैंने अपने पैसों से 6 पैक पिए हैं क्या? वो भी मैंने अकेले में। आज से तुम्हें बताए बिना मैं पानी तक नहीं पीऊंगा, ठीक है ना? पहले सॉल्यूशन बताओ यार। Thank you.
भाई पैसे दे दो, मैं चली जाऊंगी। इतने महीनों से इंटरेस्ट भरा ना, तुम भी थोड़ा हमारा ध्यान रखो। ए मुझसे पंगा मत लिया, ठीक नहीं होगा। अरे धमकी क्या देती है, चल नहीं देता तेरे पैसे, क्या कर लेगी तू? चप्पल से मारूंगी। ए हाथ उठाती है, ए पकड़ो इसे। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ए नहीं यार, कुछ भी हो लेकिन है तो बेचारी लड़की ना, छोड़ देंगे तो उसका रेप हो जाएगा। पहले उसे बचा लेते हैं, चाहे तो बाद में उसे बदला ले लेंगे। हाँ ठीक है, पहले हम उसे बचा लेते हैं, बाद में बदला भी ले लेंगे। क्या चाहिए तुम्हें? गुड मॉर्निंग सर, वेरी प्लीज टू मीट यू सर। आपके घर का एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब आधार कार्ड के साथ लिंक करने आया हूँ। वो कैसे करते हैं? वो ये बहुत अच्छे से करता है सर। अरे वो सब बाहर नहीं यार, अंदर होते हैं। ए कौन है? एसी तो नहीं है यहाँ पर। ए कौन है तू? तेरी तो मुझे मारेगा। तेरी तो। अरे वो भाग रहे हैं, चल चल चल, वो निकल गई। आजा ए, उनको जाके पकड़ो, वो भाग रहे हैं भाई। चल 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 अरे तुम्हें अकल वकल नहीं है? पैसों के लिए कहीं पर भी चली जाओगी क्या? अगर हम लोग वहाँ पे एक सेकंड भी लेट पहुँचते ना, तो उन लोगों ने अब तक तुम्हारी जिंदगी को फास्ट फूड बना दिया होता। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, देख लूंगी एक एक को। शट अप, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, उससे भी अहम बहुत सारी चीजें होती है, जो गई तो वापस नहीं आती। अरे इतना भी कॉमन सेंस नहीं है? स्टॉप इट, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। एक्चुअली मैंने अपने पैसों से एक कंपनी स्टार्ट की है, बट अनफॉर्चुनेटली वो लॉस में चली गई। मैंने बैंक से लोन लिया था पर 6 महीनों से रिकवर ही नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास यही एक सलूशन है, उन पैसों से फिर से कंपनी स्टार्ट करने की सोच रही थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तो फिर ये उधार का बिजनेस किस लिए? मेरे डैड का उधार देने का बिजनेस है। सही में तुम्हें अकल नहीं है, ये काम कभी कोई लड़की करती है? वैसे पैसे कमाने के बारे में तुम क्या जानते हो, मैं MBA में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। देखो गोल्ड मेडल होना काफी नहीं होता है, गोल्ड ब्रेन होना चाहिए। हमारे पास मनी चाहे नहीं हो, लेकिन मनी प्लांट की तरह ब्रेन है, समझी? इन्वेस्टमेंट नहीं किया, नहीं तो हम लोग करोड़ों 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 रुपए कमा रहे होते, समझ गई? अच्छा वो सब कुछ छोड़ो, कितना चाहिए तुम्हारी बिजनेस के लिए? 50 लाख। तुम्हारे पास कितने हैं? 15 लाख। देखो तुम्हें 1 महीने में 1 करोड़ कमा कर दिखाएंगे, ओके? 1 महीने में 1 करोड़? हाउ? अभी पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है, एंटरटेनमेंट से लेकर अर्निंग मनी तक सब कुछ ऑनलाइन होता है। पूरी दुनिया की करेंसी अब एक हो गई है और इसे ही क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। हमारा फ्यूचर यही है, अगर हम प्लानिंग के साथ उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हर रोज 20% तक प्रॉफिट हम कमा सकते हैं आराम से, और कमाए हुए प्रॉफिट को बिना खर्च किए अगर हम दोबारा उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हम उसमें 40 गुना प्रॉफिट कमा सकते हैं, मतलब 1 लाख का 40 लाख, समझी? 1 लाख का 40 लाख। 40 लाख, जितना बड़ा रिस्क उतना ही बड़ा फायदा। शशि इसे बिटकॉइन के बारे में सब कुछ पता है, कहां कैसे इन्वेस्टमेंट करना ये सब जानता है। विश्वास कर सकती हूं? जाने दो, अगर तुम्हें इतना विश्वास नहीं है तो एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट ट्राई करते हैं। तुम लोगों पर भरोसा करके लगा रही हूँ, अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो 30% इंटरेस्ट लगाकर पूरे पैसे वसूल करूंगी। ए, क्या बोलता है? सो दिस इज द बिटकॉइन कॉन्सेप्ट, इसमें ही हम पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं। हाउ मच वी हैव टू पे? 25,000। हाँ 25,000 बहुत है। ओके आई विल ट्रांसफर इट। डन, मार्केट स्टार्ट हो गया, लेट्स वेट एंड सी अंटिल टुमारो, कल तक हम अपना स्टेटस चेक करेंगे, ओके ना? डन। ओके ओके ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वन सेकेंड। हाँ, दे दे। तुम्हारे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से आए हुए पैसे। व्हाट? ओह माय गॉड, अगर इतने ही पैसे किसी को उधार देती ना तो इतना इंटरेस्ट भी नहीं मिल पाता। या चलिया दिल में रफ्ता रफ्ता यार आती है सदा दिल में दिल से, खुशियाँ यूं ही बसे दुनिया यूं ही महके जाए ना दिन गए इधर से।
सदा दिल में दिल से खुशियाँ यूं ही बरसे दुनिया यूं ही महक जाए ना दिन ये इधर से ना तू परे होनी है कदी तू ही है तू ही बेखुदी हाँ मेरी जान तू है जिंदगी तेरी अब हर जगह है मौजूदगी तू ये मेरा सिद्धि करता पागल पंती तू ही है अब शायरी अब तो जा तेरी मर्जी है वो मेरी मर्जी तुझसे जुदा क्या बे बड़ा जल्दबाजी में रेडी हो रहा है आज शशि को प्रपोज करने की सोच रहा हूँ उसके आने का टाइम हो गया उठ डिजिटल करेंसी नामक साइट्स को ब्लॉक कर दिया गया है हा? और कंपनी की सारी डिटेल्स इंटरनेट से गायब हो गई है हैक कैसे हो गया अब क्या होगा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के सीईओ जेराल्ड विलियम स्कॉटन ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि क्रिप्टो करेंसी साइट में डिजिटल करेंसी हजारों करोड़ों में फ्रीज हो चुकी है जेराल्ड ने अपना पासवर्ड सीक्रेट रखा था इसी वजह से इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है उनका कहना है कि उन्होंने इस बारे में पहले हाय 3 दिनों में मेरी नई कंपनी स्टार्ट होने वाली है उस कंपनी से प्रॉफिट कमा कर क्या हूँ सबको बता दूंगी अब बहुत हो गया अब सारे पैसे विड्रॉ कर लेते हैं मुझे थोड़ा एडवांस पे करना है क्या बात है पावर पावर चला गया ओके मोबाइल में देख लेते हैं पावर चला गया है उसके बिना नेट कैसे चले मेरे मोबाइल में हॉटस्पॉट है ना कनेक्ट कर लेते हैं कनेक्टेड ओके शशि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो बहुत ही कॉमन है ना इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए आपको ताकि हम किसी भी तरह की परेशानी को झेल सके ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है ना या ट्रू ट्रू शो मी देखता हूँ एक मिनट दिखाओ ना इसमें कुछ आ भी नहीं रहा पासवर्ड किसी को बताया नहीं था इसी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है इसकी वजह से हजारों कस्टमर्स परेशान हैं। कनाडा में बिटकॉइन लाइटकॉइन इनका क्रिप्टो ट्रेडिंग हो रहा है इस साइट में 3.6 लाखों कॉइन्स फंस चुके हैं इस साइट के द्वारा रुपए को क्रिप्टो करेंसी के रूप में एक्सचेंज करके बिटकॉइन खरीदा जाता था इस बारे में फिर भी लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी अब इस साइट की वजह से काफी लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है मैंने कुछ नहीं किया इसके बारे में पूरी छानबीन करनी चाहिए शशि रूम में एक डब्बा लैपटॉप रखकर इसने बिटकॉइन मार्केट में रिसर्च की और तुम सब की बातों में आकर मैंने अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए सब खत्म हो गया सब कुछ खत्म हो गया मेरा सपना टूट गया एक महीने में इतना बड़ा लॉस मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था देखो अब क्या हो गया आई वॉन्ट लीव यू गाइज आई किल यू मुझे मत मारना मुझे क्यों मारना आई किल यू आई किल यू तुझे कितनी बार बोला था कि जो काम नहीं आता है वो आता है ऐसा मत बोला कर अरे अब कहीं हैकिंग हो गई तो मेरी क्या प्रॉब्लम है यार तू और तेरे मनी प्लांट आइडियाज रोकने को बोला तो करोड़ों आएंगे ऐसा बोलकर रोड पे लाके खड़ा कर दिया मेरी लव लाइफ भी बिगाड़ दी और मेरा पूरा बिजनेस बर्बाद कर दिया एक काम करते हैं इस बार सिक्योरली इन्वेस्ट करते हैं हर बार हैकिंग थोड़ी होगी यार इतना जो हुआ काफी नहीं है वैसे भी तुझ पे भरोसा करना मेरी गलती थी डोंट अंडर एस्टिमेट मी वैसे भी हर चीज में रिस्क होता ही है यार अबे शशि बहुत गुस्से में थी भूल गए उसने हमें धमकी भी दी है वो हमें छोड़ेगी नहीं
अरे कौन है? शशि एक बार मेरी बात सुनो, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, आई विल सॉल्व इट। अरे भाई शशि ने क्या किया देखा? भाई आप लोग वही हो ना जो उस दिन शशि को किडनैप करके ले गए थे, उस दिन हमने गलती से डिस्टर्ब कर दिया भाई, इस बार हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप हमें छोड़ दो भाई। देखो ये किडनैपिंग हैरेसिंग के अंडर आता है, इट इज अ पनिशेबल क्राइम अंडर क्रिमिनल एक्ट। ए भाई वेलकम। अरे जॉन्टी तू यहाँ पर? कैन यू होल्ड दिस फॉर मी, आई विल बी बैक विद यू। मेरे भाई ये सब क्या है यार? टुडे इज माय बर्थडे नाउ। क्या आज तेरा बर्थडे है क्या? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच बेबी, तुम जाओ मैं अभी आता हूँ। अबे बर्थडे था तो कॉल करना चाहिए था ना, किडनैप करके क्यों लाया? बर्थडे के दिन बर्थडे बॉय को सरप्राइज मिलना तो जरूरी होता है ना, सबको मजा आएगा इसलिए मैंने फ्रेंड्स के लिए प्लान किया। एक बात बता, भिखारी की तरह रहता था, अचानक बिल गेट्स कैसे हो गाइस? मैं पुरानी बातें भूल चुका हूँ, बेहतर है तुम लोग ही भूल जाओ। असल में ये सब हुआ कैसे? एनलाइटमेंट हो गया यार। देख लाइफ में जो कुछ भी होता है ना दो ऑप्शन के साथ आता है, सॉल्ट सुगर, जॉय पेन, लाइफ डेथ, सिमिलरली यस और नो, दैट्स द बैलेंस ऑफ द होल यूनिवर्स। ए कुछ समझ में आया ऐसा बोलना? क्रिकेट खेला था यार। क्या तूने क्रिकेट खेला क्या? पर तुझे आज तक किसी मैच में देखा नहीं। ये फिजिकल एक्टिविटी मेरे काम की नहीं है यार, वैसे भी ग्राउंड में खेलने से क्या मिलता है तुझे बता? ग्राउंड के बाहर खेलोगे तो सब कुछ मिलेगा। चीयर्स। चीयर्स। क्यों समझा नहीं क्या? क्रिकेट बैटिंग भाई, गली क्रिकेट हो या इंटरनेशनल क्रिकेट, तक कोई भी मैच मेरे बोले बिना स्टार्ट नहीं होता, वहाँ पे एक बैठा रहता है, नेक्स्ट बॉल फोर कहेगा, तुम्हें ज्यादा सोचने का वक्त नहीं मिलेगा, सिर्फ हाँ या ना बोलना होगा। क्यों समझ में नहीं आया क्या? वन मिनट। अरे बबलू आज कितना है? ये ओवर खत्म होने तक 45 होगा या नहीं? अरे इतना सोचो मत यार, जो लगता है वो बोलो जल्दी। वन टू थ्री, हाँ हाँ यस यस, लगा दो लगा दो। सुन बबलू, मेरे भाई ने बोला है यस पर 5 बेट लगा। 5 बेट? यस। ए पता है हमने कितना जीता? 5 लाख। 5 लाख 5 सेकंड्स में 5 लाख रुपए। बैट लगाने में 15 मिनट लगता है ना? दिल्ली से लेके गली तक कुछ भी हो इस दुनिया में यस और नो ही होता है, इसलिए ज्यादा सोचो मत दिमाग खराब हो जाएगा। नाउ लेट्स पार्टी, यस और नो? नीचे जाकर डेविड जी से मिलो। या, यस। डेविड भाई नमस्ते। देखने के लिए आए हो या खेलने के लिए आए हो? हे निकाल ना। निकाल बे। जाकर उस काउंटर में रख दो। ओके भाई। ओके भाई। नाम क्या है? जय। रॉकी। विकी। अरे बहुत सही है यार। अबे लड़की मस्त है क्या? चिकन वहाँ नहीं यहाँ पे। लड़कियां मस्त है। तू मैच देख यार। देख। फोर पे खेल फोर। ए, हाँ। पहले ज्यादा नहीं, बस 500 लगाते हैं। ठीक है, हैंड क्रिकेट से डिसाइड करते हैं। ओके ओके ओके। रेडी, 1 2 3 3 यस। ओके लगा दे। यस बोलो। ठीक है लगाता हूँ। या 500। अरे भाई 500 क्या इतना कम? मेरा देखो भाई 10,000 लगा दो। हम अपने से लगाएंगे। ठीक है देख लेते हैं। ओके ओके ओके। Yes! High five! One, two, three! Hey भाई, संभाल के खेलना, कंगाल हो जाओगे। अब हम 2,000 लगाते हैं। Yes! Yes! इस बार पूरे 5,000 लगाएंगे। संभाल के खेलना, three! Yes! इस बार 10,000 लगा देते हैं। इतनी मेहनत करके सिर्फ 10,000 रुपए? ये 500,000 से हमारा उधार कभी चुकता नहीं होगा। हमें नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए नेक्स्ट लेवल बैटिंग करनी पड़ेगी। ऐसा करते हैं, 1,00,000 से स्टार्ट करते हैं। ओके ना भैया? 1,00,000। यस मजा आ गया भैया। 1,20,000। यस यस।
Yes. इस बार पूरे 3 लाख रुपए। किस्मत बहुत अच्छी है, आज हमारा टाइम बहुत ही अच्छा है। देख कितना है। अरे हाँ। पूरा सब मिला के हम लोगों ने कितना जीता है पता है? 10 लाख यार। 10 लाख रुपए भाई, पूरे 10 लाख रुपए हुए। ये लो। ये क्या है? ये ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट है, ये नहीं चाहिए, रख लो। अरे 2000 का नोट कभी देखा नहीं क्या? हाँ? ये लो। अबे हरे हरे 10 लाख। Excuse me, sir. तुम यहाँ भी? मेरी लाइफ बर्बाद करके तुम्हारा दिल नहीं भरा क्या? जो यहाँ पर भी आ गए मुझे परेशान करने, तुम आखिर चाहते क्या हो? इतनी मुश्किल से खुद को कन्विंस करके, अपने पापा को कन्विंस करके मैं यहाँ जॉब करने आई हूँ, और तुम यहाँ पर भी आ गए? ट्रिपलेस? शशि, प्लग एंड प्ले कंपनी, 3 months रेंट पेड, तुम्हारी कंपनी के अकाउंट में 1 लाख बैलेंस। आगे के 10 दिनों में तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं। कंपनी स्टार्ट हो रही है, ऐसे अपने पापा से कह दो, और जरूरत पड़े तो उन्हें एक बार यहाँ पर बुला लो। तुम्हारे करियर के साथ साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी किल कर दिया, इसे रीबिल्ड करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। यस। yes. शशि, अरे शशि, बात तो सुनो। शशि, क्या हुआ? सुनो मेरी बात तो सुनो। शशि प्लीज, शशि मेरी बात तो सुनो। प्लीज शशि, कभी नहीं होगा, प्लीज बात मान जाओ। शशि प्लीज, शशि हमें समझो एक बार। इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चांस ही नहीं है। रोज के 10 लाख और 10 दिनों में तुम्हारे अकाउंट में 1 करोड़ होंगे, ओके ना? ले लो। ये लो। अरे मान जाओ ना, ले लो। हाँ, ले लो। स्माइल प्लीज। थैंक यू। हम सबका काम बनने वाला है ना? ऐसा क्या? हाँ यार, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। कैसी बातें कर रहा है? अब तक हम लोगों ने टोटल कितना जीता है पता है? करोड़ रुपए यार। करोड़ रुपए? क्या बात कर रहा है? करोड़ रुपए क्या? हाँ भाई, हिसाब ठीक से देखा ना। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक तरीके से देखा। ये देखो, हमने कितना जीता है पता है? करोड़ रुपए। हेलो भाई, कुछ नए लोग आए हैं और करोड़ रुपए जीत गए। ऐसा क्या? हाँ भाई, वही पहले आके 10 लाख जीते थे, आज करोड़ रुपए जीत गए। वो नए लड़के जरूर कुछ कर रहे हैं, आपको कुछ करना होगा भाई, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। सच में जीत गए हैं क्या? हाँ जीत गए भाई। तो फिर दे दे भाई। दे दे उन्हें। ठीक है भाई। जल्दी से करोड़ रुपए रेडी करो। कम ऑन, कम ऑन। बहुत बड़ा अमाउंट है ना, गिनती कर रहे हैं। हाँ जल्दी जल्दी। उस बीच हैदराबाद पंजाब का मैच खेली ना, और पैसे जीत जाएंगे। खेले क्या? ठीक है, खेलते हैं, खेलते हैं। कम ऑन। आप लोग हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। स्पेशल गेस्ट हैं। सही है, वीआईपी रूम है। वीआईपी रूम क्या? सही है बॉस, अंदर स्पेशल गेस्ट मिलेगा। रिलैक्स होके मैच देखो। हैं ए, मजा आ गया क्या भाई? भाई बैलेंस बचा हुआ जल्दी दे दो। 1 मिनट रुको, पूरा काटने पर 1 करोड़ बाकी है। क्या? क्या 1 करोड़? यू मीन 1 करोड़? ओनली 1 करोड़? जल्दी करो, हमारे पैसे निकालो, तभी हम यहाँ से जाएंगे। ए, हम नहीं देंगे, तुम लोग दोगे। हम देंगे? हम देंगे। जोक कर रहे हो? जोक करने वाला चेहरा है मेरा, पैसा भरो। अबे तूने गिनती ठीक से की थी ना? गिनती? तुम्हारे पास पूरा हिसाब नहीं होगा, लेकिन हमारे पास है। ठीक है, कल आगे खेलेंगे और तुमको दे देंगे। नहीं हो सकता, आज ही भरना होगा। सब मैं कौन हूँ, मेरे बारे में पता है क्या? निकल यहाँ से तू। हेलो सुनो भाई लोग, कोई भी यहाँ पर पैसे मत लगाओ, यहाँ पे डबल गेम चल रहा है। तुम्हारे पैसे तुम सबसे ही लेके धोखा दे रहे हैं ये लोग। तुम सब हमें धोखा दोगे और हमें पता नहीं चलेगा। सही बोल रहे हैं। अबे तेरी तो, चल निकल यहाँ से, निकल। हम भी जाके उसे फॉलो करते हैं। उसे फॉलो करेंगे तो हमें भी 1 रुपया भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या देख रहा है देख, क्या देख रहा है तू? भाई
इन कमीनों को भी करोड़ों रुपए देने हैं। नहीं नहीं भाई, पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे एक ही जगह पर है। अभी हमको अगर आप जाने दोगे तो हम पैसे लेकर आ सकते हैं। प्लीज भाई, आपके पैसे दे देंगे तो जा लेकर। कसम से लेकर आएंगे भाई, कसम लेकर आएंगे भाई। अरे जॉन्डी, मैं हूँ जय। वी आर इन ट्रबल यार, तेरी हेल्प चाहिए थी। फ्रेंड का मतलब हेल्प, हेल्प का मतलब फ्रेंड। टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम। बेट हार गए यार, अमाउंट पे करना है। अरे बेटिंग में जीतना और हारना बहुत कॉमन है यार। बोल बेट कितने का था? 25,000, 50,000, 1,00,000, बोल ना। 1 करोड़। 1 करोड़ क्या, इतना ही ना? आजा। अच्छा, अरे थैंक्स डार्लिंग, तू है हमारा असली फ्रेंड। इसे कहते हैं सच्चा दोस्त। चल 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 चल। भाई पैसे ऊपर हैं, मैं अभी लेके आता हूँ। ए तुम लोग भी जाओ। हाँ सेकंड फ्लोर पे आया हूँ। ओके ओके ओके, आप लोग यहीं पर रहो, हम लोग पैसे लेके आते हैं। ए चलो आओ। एक मिनट है, अरे क्या है? हाँ यार, कहाँ है यार? हेलो, अरे कहाँ है? अरे घर में कोई भी नहीं है यार। वो गैंग बाहर है ना, ऐसे डेलिकेट सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ता है, अच्छे से नजर रखनी पड़ती है। बहुत खतरनाक लोग हैं ये लोग। अरे क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंदर आ गए हो क्या? अंदर आने के बाद राइट साइड में देखो, एक किचन होगा। किचन क्या? उस किचन में लेफ्ट साइड में एक डोर होगा, उस डोर को ओपन करो, बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। तुम्हें वहाँ कोई स्लाइडर दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। वहाँ से चुपचाप निकल जाओ। निकल जाए, लेकिन क्यों? बोला था ना, फ्रेंड का मतलब हेल्प, हेल्प का मतलब फ्रेंड। ओके, दिस इज द बेस्ट आई कैन डू। बाय बडीज। भाग जाए। क्या हुआ यार, यहाँ से भाग जाने को बोल रहा है? भागने के लिए, लेकिन उसने पैसे देने की बात की थी। ऐसे क्यों बोल रहा है? हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो लोग बाहर है। चलो, वो बाहर है। चलो यार, ये क्या हो रहा है? जल्दी आजा। इडली बड़ा, पनीर डोसा, मसाला डोसा, एक डोसा, बताइए नाश्ते में आपको क्या चाहिए सर? अब जा, दिमाग मत खराब कर। तुम्हें गुड न्यूज देनी है। हमारी कंपनी को जो इक्विपमेंट चाहिए था ना, वो सब मैंने ऑर्डर कर दिया है। 10,00,000 पे करने होंगे। 10,00,000 क्या? डिलीवरी के टाइम पर भी देंगे तब भी चलेगा। अरेंज हो जाएंगे ना? मैं अरेंज करता हूँ शशि। ओके बाय। ए शशि को किसी भी तरह हेल्प करनी होगी, नहीं तो वो पूरी लाइफ मुझ पर भरोसा नहीं करेगी। ऐसे कैसे फंस गए यार हम? अबे अगर लास्ट मैच नहीं खेलते तो हमारे पास पूरे 1 करोड़ रुपए होते। 1 घंटे में सब कुछ बदल गया सिर्फ 1 रन की वजह से। 1 रन की वजह से कल हमारी टीम हार गई और हमारा ये हाल हो गया। बैटिंग का मतलब यही होता है सर, झट से आता है फट से जाता है। अरे कल अगर हैदराबाद मैच जीत जाती ना तो अब तक इस ढाबे का ओनर बन जाता मैं। अबे तू कितना हारा? 10,000 सर। और हम कितना हारे तुझे पता है? कितना सर? सारी बाजी खेलने के बाद पूरे 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़? हाँ। उसमें कितने शून्य होते हैं सर। कितनों की किस्मत चमका दी उस हैदराबाद ने। हमारे लिए भी उस दिन जीत जाती तो क्या होता, आज हम भी कुछ और होते सर। हेलो, कल हैदराबाद हार गई इसलिए हमारी ये हालत हो गई है, समझे? क्या बात कर रहे हैं सर, हैदराबाद कैसे हार गई? अरे हमारे ओनर की तरह तुम लोगों का ब्रेन भी काम नहीं कर रहा है क्या? अरे कल हैदराबाद जीत गई है। अबे दिन में चढ़ाई है जो तेरा दिमाग खराब हो गया है। कल हैदराबाद और पंजाब का मैच था और उस मैच में हैदराबाद मैच हार गया। हाँ। है कल हैदराबाद और पंजाब के मैच में हैदराबाद जीत गई है? क्या बात कर रहा है यार, सुबह सुबह पी के आया क्या? जाए यहाँ से। सर मैं सर्वेंट जरूर हूँ पर मेरा सर्वर खराब नहीं है, ये बात तुम लोगों को प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये देखो हैदराबाद जीत गई। हैदराबाद कैसे जीत गया यार? हाँ यार, ये कैसे हो सकता है? कल लाइव मैच देखी थी ना, ये कैसे हो गया? सर मैं सब कुछ समझ गया, किसी ने आपको फूल बना दिया है सर। मामूली फूल नहीं, अप्रैल फूल बना दिया है। जा यहाँ से, जा, चल जा। अरे सच्ची बात तुम लोगों को अच्छी नहीं लग रही है क्या? ए चुप रह, जा ना। अरे यार कितना बड़ा धोखा दिया है उस काली ने हमें। और देखो पैसे हमें मिलने चाहिए लेकिन वो हमें टॉर्चर कर रहा है पैसे के लिए। जाकर हम उससे अपने पैसे मांगते हैं। हे
वहाँ जाएगा तो हाथ यहाँ पर काट के फेंक देगा। तो क्या करें यार, 1 करोड़ का सवाल है। सिर्फ वही धोखा दे सकता है, हम नहीं दे सकते क्या? वो हम जैसे को लूट कर पैसे कहाँ रखता है मुझे अच्छे से पता है। जाके हमारे पैसे हम लेकर आते हैं। चलो चलो चल ना। चल अबे काली आ गया तो मैं मार डालेगा यार। अरे कुछ मेरी मार चल यार। अरे चल यार चल चल चल। पैसे दिखाई दिए कहीं? हाँ यार तुझे कुछ दिखाई दिया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर कालिया हमें जान से मार देगा यार। चल चल पागल हो गया क्या? तू डर गया है? मेरी कोशिश कर। चल अबे कोई है वहाँ? देखो मेरी बात मानो, कालिया हो सकता है हमें जान से मार डालेगा। चल चल क्या तो थोड़े कम चलेगा। मरवाएगा क्या? पागल हो गया तू? परेशान हो रहा है। चल 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 कहाँ जा रहे हो? प्लीज यार प्लीज यार प्लीज यार बात मान लो यार। सुनो यार चल यहाँ से चलते हैं यार, कालिया छोड़ेगा नहीं हमें। प्लीज यार मेरी बात तो सुन, क्या देख रहे हो अंदर? जस्ट मिस हो गए भाई। अरे बाप रे, फादर। तुम तो पहले से ही 8th वंडर थे, 9th और 10th भी आ गए। फादर्स आप भी ना। और ये चोट कैसे लगी? जरूर फिर से कोई उल्टा सीधा काम किया होगा। क्या हुआ है बताओ मुझे। ऐसा हुआ फादर, तब से हमारी लाइफ क्राइम जोन में चली गई है। इन बच्चों को तुम ही सद्बुद्धि दो प्रभु। ए, देखो वो लोग भाग रहे हैं। जल्दी कर जल्दी कर, भाग भाग भाग। ए इधर 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 जरा भाग। Hey,
ए, तू उधर जा, उधर जा तू, ए, तू उधर देख, ए, तू उधर जा, उधर जा। बाप रे, कोई पहचान नहीं पाएगा। हाँ यार, अब वो भूत ही नहीं, भगवान भी हमें पहचान नहीं सकता। तो फिर इसी गेटअप में रहते हैं ना? सही बोल रहा है। ठीक है। ए, तुम लोगों को कब से फॉलो कर रही हूँ मैं? क्या है ये सब? शशि तुम यहाँ कैसे? शशि तुम? मैं तुम्हें बाद में सब एक्सप्लेन करता हूँ। इस बार किसे डुबाकर भाग रहे हो? बताओ, मेरा फोन क्यों रिसीव नहीं किया? रोज 1,00,000 कमाऊंगी। चाहते क्या हो तुम लोग? क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तुम? शशि, मुझे एक असाइनमेंट मिला है, पर मेरे हाथ में पैसे ही नहीं है। तुम पर भरोसा करके फिर से गलती कर दी। यू नो, आई शुड पनिश मायसेल्फ। प्लीज शशि, तुम्हारी हेल्प करने की तो ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अनजाने में हम एक डीप प्रॉब्लम में फंस गए। हाँ शशि, तुम भी सुनोगी तो तुम ऐसी बात नहीं करोगी। शशि, हमें हमें मारने के लिए एक भूत पीछे पड़ा है। सच बात है शशि, बिलीव अस प्लीज। तुम लोग अब भी कार्टून चैनल देखते हो क्या? प्लीज शशि, बात को समझो, गुस्सा मत दिलाओ। असल में तुम लोग कैसे हो पता है? शरीफ इंसान भी गाली देने लगेगा। यू बंच ऑफ फूल्स। असल में तुम तीनों में सबसे बड़ा फूल तो ये है। आई हेट यू। सुनो शशि, एक बार मेरी बात तो सुनो। शशि शशि, एक बार समझने की कोशिश करो प्लीज। रोकते हैं उसे। शशि एक बार सुनो तो सही। अरे बाबू भागो तो क्या? भाई डेविड मर गया। क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, ये इंसान हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। हम इन्हें मार देते हैं, ये हमें नरक दिखाएंगे। मुझे यहाँ नहीं रहना, इन्हें मार दो, इन्हें मार दो काली। बेबी, मैं देख लूंगा इन्हें। नहीं काली, कुछ न कुछ तो हो रहा है, फिर से हमें जुदा होना पड़ेगा। इस दुनिया में हमें जुदा करने की ताकत किसी के भी पास नहीं है। हम उन्हें पकड़ कर मार देते हैं काली। वो मेरे ही हाथों से मरेंगे। लेकिन यार, उस दिन आईने में से भूत बाहर कैसे आया? मतलब चुड़ैल बाहर कैसे आई? कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, क्या मुसीबत हो क्या? अबे तेरी पागल हो गया क्या? अबे तुझे क्या पता, मिरर देखने से टेरर हो रहा है, समझा? अबे ये सब तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है यार, आखिर ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? हमेशा इंसान को भूत पकड़ता है, लेकिन ये काली का क्या मामला समझ में नहीं आ रहा। फायदा नहीं है यार, उस भूत को मार देते हैं। अबे अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, हम यहाँ से भाग चलते हैं। चल। कहाँ भागेंगे यार? कहीं भी यार, दिल्ली मुंबई कहीं भी। अरे वो इंसान है जिससे बच के भाग सकते हैं हम, भूत है, जहाँ जाएंगे वही आ जाएगी वो। या हम तीनों दोस्त कितने हैप्पी रह रहे थे यार, अब कब मौत आ जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अबे अब तो मौत कन्फर्म लग रही है। अरे लस्सी बना कर ले जा। अच्छी बात है। हाँ देखो, तुम लोगों की हालत देखकर मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा है। तुम्हें देखकर लग रहा है कि मौत को साथ लेकर घूम रहे हो। ए छोटू। हाँ जी। पानी ला रे। जी। हम्म।
औरत भूत है। प्रेमी का प्यार नहीं मिलने की वजह से मरने वाली एक औरत, वो आज की बात नहीं है, कुछ साल पहले की बात है। अबे कौन है बे तू? यहाँ दुकान डालने के पहले मेरी इजाजत लेनी पड़ती है। चल हट, चल हट, निकल चल। भाई 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 एक मिनट भाई, पहले आप लोग मेरा खेल देख लो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। भाई एक मिनट, प्लीज प्लीज भाई भाई, 10 रुपए लगाओ भाई, भाई भरोसा करो भाई, लगाओ ना 10 रुपए। दे ये ले पकड़। अच्छी बात है भाई। भाई बोलो 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 बोलो, कहाँ है भाई? ये ले, ये वाला है क्या? हाँ भाई एक और चांस देता हूँ भाई, अब बताओ भाई, बोलो इस बार पक्का ये वाला है? हाँ ये वाला। ये भी नहीं है भाई, कोई पकड़ ही नहीं सकता भाई। एक काम करते हैं भाई, जो आएगा उसमें से 90 आपका, 10 मेरा, ठीक है भाई? ए, इस पे नजर रखो जरा। अरे भाई 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 भाई, ए, भाई बहनी ए, है भाई। अगर आज शाम तक तूने पैसे नहीं दिया तो समझ ले तेरा खेल खत्म है, छोड़ दे इसे। थैंक्स भाई, शुक्रिया। आओ 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 आओ, एक लगाओ, 10 पाओ, जल्दी आओ, आओ लगाओ और पाओ, आओ लगाओ लगाओ लगाओ, जल्दी लगाओ जल्दी लगाओ। कितना है भाई ये? अरे क्या बात है, 1 रुपए लगाओ, 10 रुपए पाओ, जल्दी आओ, लगाओ लगाओ लगाओ, जीत के जाओ। अब इस पर जल्दी आओ, लगाओ और जीतो। एक लगाओ 10 पाओ, एक लगाओ 10 पाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। एक के दस पर लगा भाई, ये वाला है। चलो अच्छी बात है, आओ आओ आप भी आ जाओ, जल्दी लगाओ जल्दी लगाओ। एक लगाओ 10 पाओ, 50 रुपए लगाओ, 10 पाओ, 100 रुपए ध्यान से देख लो, आप इस पर लगा रहे हो, जल्दी लगाओ जल्दी लगाओ। आओ आओ आओ, देखो भाई ये भी खाली गया आपका, ये देख लो ध्यान से देख लो, अरे 5 रुपए ये भी खाली हो गया, और ये रहा आपका पैसा, हाँ ये आपने जीता है। आओ 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 जल्दी आओ जल्दी आओ, एक लगाओ 10 पाओ, जल्दी आओ भाई, 1000 के ऊपर होगा, इसे अंदाज लगाने दे। चल निकल। भाई जा बे। भाई ये क्या भाई, भाई भाई मेरा हिस्सा देकर जाओ ना। ए, इधर हर चीज पे मेरा हक है, हर दिन ऐसे ही खेलना और ऐसे ही देना, समझा? चल निकल। भाई 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 ऐसा नहीं भाई, जुबान जुबान होती है, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, उसके बाद जाओ। ए, आवाज ऊंची की तो जान से जाएगा। ये गलत है भाई, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। जुबान जुबान होती है और मैं अपना हिस्सा लेके रहूंगा। भागो। बताइए आपने कुछ देखा? नहीं क्या? साहब मैंने कुछ भी नहीं देखा। ए, हाँ साहब, तूने कुछ देखा क्या? हमने कुछ नहीं देखा। तुम कहाँ थे? हम यहाँ पर नहीं थे। सच बताओ वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मैं सच कह रहा हूँ साहब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, एक लगाओ 10 पाओ, एक लगाओ 10 पाओ, इस पे लगाना है, इस पे, ठीक है ठीक है। लगाओ लगाओ लगाओ, एक लगाओ 10 पाओ, एक लगाओ 10 पाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, इस पे मेरा। माल बना लो माल बना लो, पैसे कमा लो पैसे कमा लो, आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ, एक लगाओ 10 पाओ, एक लगाओ 10 पाओ, आओ आओ आओ। मेरा इसमें लगा, इसमें ये वाला मेरा।
ए माल दे। कौन सा माल? बहाना मत बना, मुझे पता है तू माल बेच रही है, माल निकालना। पैसा निकाल, ये ले, ये ले, पैसा दे। ए, 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 रुक जा, पैसा दे। ए, रुक, बोला ना, ए, रुक जा, मेरा पैसा दे। कहाँ जा रहा है? ए, पैसा दे। पैसा लेके भागता है? मारो मत, मारो मत, पैसा नहीं दे रहा। प्लीज मारो मत, दोबारा नहीं करूँगा, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मारो मत। इधर इधर इधर, इसको देख, इसको देख। अरे इसका तो बचना बहुत मुश्किल है। कुछ भी कर, कुछ भी कर, इसको उठा, इसको उठा। अरे लेकिन बहुत बुरी तरह से मारा गया है। अब कुछ करना। ठीक से देख। तीन दिनों से माल नहीं बेच रही है, यहाँ क्या कर रही है? कौन बेचेगा? मरा हुआ तेरा बाप बेचेगा क्या? शाम तक अगर नहीं आई तो मार डालूंगा तुझे। भैया, मेरी बात तो सुनो। भैया, ज़बान चला रही है? मेरे हाथों मरेगे तो, याद रख मेरी बात। अभी जानते नहीं है तू मुझे, मैं कौन हूँ। हत्ते चढ़ी तो काट डालूंगा तुझे। देखो देखो, जल्दी जल्दी सुई लगा ना, जल्दी कर। दुख रहा है? ये देखो, ठीक है ना? तुझे इतनी बार समझाया फिर भी यहाँ पे पड़ी है? 15 दिनों से आ नहीं रही है। पैसे कौन देगा? हाँ, वो देगा क्या? वो देगा? बोल ना, बोल, वो देगा क्या? बोल। बैठ जाओ। हाँ,
कौन है तू? मुझे जानती है क्या? जानती हूँ। उस दिन इधर आ। आज से तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आज से तू मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगा। अब किसी से भी डरना मत। ये लो। मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई। काली, 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 काली। मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मुझे ये लेने गया था, देख। दोबारा मुझे ऐसे छोड़कर कभी मत जाना, ठीक है? हाँ। वो देखो, देखो। ये देख, खाओ ना। हे, पैसे दे। रानी लग रही है। तो फिर मैं रानी होता, तुम राजा हो। 10 का 50, 10 का 50, आओ आओ आओ, 10 का 50, 10 का 50, ले लो ले लो ले लो। ओ ले ले ले। बच्चा कितना अच्छा है, बहुत प्यारा बच्चा, मुझे बहुत पसंद है। तुझे बच्चा चाहिए क्या? नहीं 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 नहीं, कोई भी तुम्हारे बीच में आया तो मैं उसे मार डालूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। हाँ, सिर्फ मेरे। ये पूरी जगह मुझे। अरे, ए, रुक जा। रामजादा। बेबी, 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 जाने दे ना, बेबी, जाने दे। काली, ये गाड़ी, ये गाड़ी वही है, ये उस दिन। काली काली, ये देख, काली काली, ये वही गाड़ी है जिसने उस दिन तुझे टक्कर मारी थी ना। इसे जला दे, छोड़ा मत इसे। इतना बड़ा घर, बहुत बढ़िया है ना? हम राजा रानी है ना, हम ऐसे ही रहने चाहिए, इसी कोठी में। हम दोनों यहीं पर रहेंगे, हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे, मैं और तुम दोनों यहीं रहेंगे। मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ रहना है काली। ऊपर देखना, वो देख, राजा रानी का आसन। कल ये हमारा आसन है। महारानी हूं। कौन हो तुम लोग और तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया? पूरे महल में घूम क्यों रहे हो? और तुम्हारी औकात है यहाँ आने की? और तुम मेरी कुर्सी में ऐसे क्यों बैठी हो? सुनो, कौन है वहाँ? इन भिखारियों को बाहर निकालो। ऐसे इस महल की मैं हूँ रानी, महारानी। ये मेरे राजा का दिया हुआ प्रेम है।
अब ये महल में किसी को नहीं दूंगी, भले ही कितने भी जन्म लेने पड़े, राजा के साथ रानी ही रहेगी, मैं यही रहूंगी। आजा आजा। बेबी 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 कहाँ चली गई है? बेबी बेबी बे कैसी लग रही हो? तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। जल्दी आओ। इसके साथ घूम रहा है, ये मरेगी तो तुझे दर्द होगा ना, मर जा। मैंने कहा था ना, मरने के बाद भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। जिंदगी और मौत को मात देता है प्यार, उसके पीछे वो बहुत पागल है, उसके लिए वही सब कुछ है। वो पिछले 15 सालों से भूत बनके उसके साथ ही रह रही है और उसकी मौजूदगी में उसकी परछाई भी उसके साथ आने से डरती है। उसके बारे में जिन जिन लोगों को पता चला वो जिंदा नहीं बचे। अब वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, तुम लोग बहुत खतरे में हो। बाबा आप भी कुछ करो, बाबा आप भी कुछ कीजिए, हमें बचाइए बाबा, प्लीज बाबा, हम आपके पैर पड़ते हैं, प्लीज बाबा हमें बचाइए, हम पूरी तरह से पक चुके हैं, प्लीज। चाहे स्थिति कैसी भी हो, मुझे सबका भला करने को कहा है उस ऊपर वाले ने। हाँ।
अगर ये किसी भी तरह बाहर आ गई ना तो परिणाम बहुत बुरा होगा, उसके बाद तुम्हारी किस्मत। अब तुम लोग निश्चिंत होकर जा सकते हो। या अल्लाह हिफाजत, या अल्लाह हिफाजत, या अल्लाह हिफाजत। बेबी, 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 बेबी। बाप रे, जरा सा भी लेट हो जाता ना तो भूत मुझे उठा करके ले जाती है। सच में अभी वो भूत हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती। बिना टेंशन के पियो बिंदास। बाप रे, अरे शशि से बात करनी होगी यार। कट क्यों कर रही है? क्या चाहिए तुम्हें? शशि मेरी बात तो सुनो। मेरा सपना तोड़ दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बस नहीं हुआ शशी, वो तो मेरा अब कोई ड्रीम नहीं है और ना ही मैं यहाँ रहूंगी। टुमारो मॉर्निंग आई एम लीविंग, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। ए शशि जा रही है यार, अब शायद पूरी जिंदगी भर नहीं मिलेगी। ए हमारी सारी प्रॉब्लम्स की वजह वही है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, कॉल करता हूँ उसे। हाँ हेलो। क्यों रे, तूने हमें धोखा दिया है ना? हमने मेहनत से पैसा कमाया है और तू हमें पैसा नहीं देगा? हाँ कौन है बे तू, फोन रख टेबड़े। हाँ कॉल कट कर दिया उसने, दोबारा फोन लगाता हूँ उसे। अबे कॉल क्यों कट किया बे, तू जानता हम कौन है? तेरे पास मेरा पैसा है, मेरे दोस्त का पैसा है, और हमारा पैसा तुझे इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा। ए कहा ना फोन रख दे। ए वैसे भी तू भूत के साथ रहता, जरूर तेरे अंदर कुछ गड़बड़ है। हाँ ए, मेरी बेबी के बारे में तू कैसे जानता है? ओहो तो भूत का नाम बेबी है क्या? ए उसका नाम बेबी है बेबी।
क्या किया मेरी बेबी के साथ? तेरी बेबी को बॉटल में डाल के किडनैप कर लिया है। मेरी बेबी को बॉटल में डाल दिया? मेरी बेबी को कुछ भी हुआ ना तो मैं मार डालूंगा तुम सबको। शराफत से कह रहा हूँ, मेरी बेबी को मुझे दे दे। नहीं देंगे बे, क्या कर लेगा तू बोल। मेरी बेबी मुझे चाहिए, मेरी जान है वो। तुमको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, माफ कर दूंगा तुम सबको। मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, प्रॉमिस पक्का। बस मेरी बेबी मुझे लौटा दो। अबे वो बेबी बेबी कर रहा है, अगर हमने बेबी वापस कर दी तो वो पैसा माफ कर देगा, ऐसा बोल रहा है। पागल है क्या, वो क्यों माफ करेगा भाई? हैं? वैसे भी हमारे पास से पैसे ऐड के हमें ही क्यों देने वाला है वो। दे, कोई डिस्कशन नहीं करना उससे, रख दे फोन, रख दे। दस करोड़ दूंगा तुम सबको। दस करोड़? बस मेरी बेबी मुझे दे दो। सच कह रहा हूँ, 10 करोड़ मिलेंगे तुम सबको। तुम सब कहाँ हो बताओ, मैं पैसे लेकर आता हूँ। बस मेरी बेबी। अबे बेबी, वो 10 करोड़ की बात कर रहा है, उसे बता देगा कि बेबी मस्जिद के अंदर है। क्या बोल रहा है यार, पागल है क्या तू? समानता नहीं चाहिए। पूजा हेगड़े बिल्कुल नहीं चाहिए सर। तमन्ना चाहे जितनी गोरी हो मुझे नहीं चाहिए, वो ये रोल नहीं कर सकती है सर। सर ये इमोशन एडवांस लेने तक ही है, एक बार एडवांस लिया 0 इमोशन। वैसे भी आपको क्या प्रॉब्लम है सर? आपसे मैंने क्या मांगा है? मैं क्या आपसे दीपिका पादुकोण मांग रहा हूँ या हॉलीवुड से ब्रैड पिट को मांग रहा हूँ? मैं तो सिर्फ भूत के करेक्टर के लिए एक सच्चा भूत मांगा है, उसमें भी प्रॉब्लम है। अभी मेरे फिल्म में कुत्ते का रोल है, उसके लिए किसी हीरो को लेंगे क्या? नहीं ना, कुत्ते को ही लेना पड़ेगा, है कि नहीं सर? सर आई ट्रीट ऑल माई कैरेक्टर्स इक्वली। एक भूत के लिए जो एक्सप्रेशन चाहिए वो एक सच्चा भूत ही दे सकता है, वो मुझे चाहिए सर। हॉरर फिल्म मतलब हॉरर, सिर्फ मेकअप करके क्रिएट नहीं कर सकते सर। हम जो बना रहे हैं वो कोई छोटी फिल्म नहीं है, हम एक नई खोज करने वाले हैं सर, एकदम नई खोज। पागल कौन है? पागल कौन है? पागल महारानी सावित्री की बायोपिक बनाने वाले नागार्जुन का पैशन है, एनटीआर का बायोपिक बनाने कॉम्पेंसेशन है। सच्चाई के लिए, आर्ट के लिए, रियलिटी के लिए सच्चा भूत मांगा तो मैं पागल हो गया क्या? पागलों की तरह मारूंगा अगर किसी ने मुझे पागल बोला। सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, चाइना मशीन काम नहीं करेगी इसलिए कोरिया से मशीन मंगवाई है, वो भी परसों। भूत को पकड़ने वाली मशीन, सुबह से ही वेट कर रहा हूँ सर, अब भूत मैं पकड़ लूंगा। एक मिनट सर, सर आई थिंक आई गॉट इट, यहाँ पे कहीं भूत है। अब आप सेट रेडी कीजिए सर, मेकअप मैन की हमें जरूरत ही नहीं है, मैं सच्चा भूत लेके आता हूँ, बाय। वो बोतल अगर उसे मिल जाता ना तो अब तक हम सारे मारे जाते। मिला नहीं ना, चाहे कुछ भी हो लेकिन ये बोतल उसे मिलनी नहीं चाहिए। और करोड़ रुपए? ए करोड़ रुपए हम कभी भी कमा सकते हैं यार, जब देखो पैसा पैसा पैसा। लेकिन हमारे पैसे वापस कैसे मिलेंगे? वो काली तो हमें नरक दिखा रहा है, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अबे देख लेंगे उसे, हम कुछ तो हल ढूंढ लेंगे। अबे कौन है तू? कौन है? तू क्या सोच रहा है बे? ए, उस काली को हमसे खेलने नहीं देना चाहिए। हम ही काली के साथ खेलेंगे। बोतल हमारे पास ही है ना? अभी इस बोतल के साथ। तुम्हें क्या चाहिए ऐसे पीछे पड़े हो? अच्छा अभी इस बोतल के साथ आखिर हमें क्या करना? अच्छा जब तक हमारे पास बोतल है ना तब तक वो हमारा कुछ बिगाड़ी बात नहीं। क्या आइडिया है यार, बढ़िया सुपर, समझ गए ना? हाँ इसलिए डरने की बोतल के बारे में हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। चलो क्या यार ये सब, ये तुम करना क्या चाहते हो भाई? दूर हो जाओ, पीछे बार यहाँ क्यों देख रहा है? बॉटल क्यों देख रहा है ये? My search is complete. ये बॉटल मुझे चाहिए सर। दे दीजिए सर, प्लीज दे दीजिए सर। अबे इस बॉटल के बारे में तुझे कैसे पता? इस बॉटल में क्या है मुझे पता है सर। जितना पैसा बोलो उतना दूंगा सर। मेरा विजिटिंग कार्ड रख लीजिए, बंजारा हिल से मेरा ऑफिस है, ऑफिस भी आप लोगों को दे दूंगा। सर इस शीशा के साथ एक फिल्म बनाऊंगा सर। शीशा से कौन सी फिल्म बनाएगा तू? शीशा के साथ नहीं सर, शीशा के अंदर बिपाशा के साथ। इस बॉटल के बारे में इसे कैसे पता चला? क्या पता यार। ओके ना सर, बॉटल ले जाऊं क्या सर? बॉटल नहीं देंगे, चल जा यहाँ से। तू बड़ा डायरेक्टर है जो फिल्म बनाएगा, जा बे निकल यहाँ से पागल। जा यार, जाके मेंटल हॉस्पिटल में ज्वाइन हो जा, जा। मेरा प्रोड्यूसर मुझे मेंटल कह रहा है, तुम लोग भी मुझे मेंटल कह रहे हैं। अरे फूल, अरे ब्लडी फूल, अरे ब्लडिंग ब्लडी फूल, तुम्हारा गैंग है, तुम तीनों मस्किटर्स हो, तुम लोग इसके साथ क्या करोगे? ए पूरे मानव जाति को गर्व हो, ऐसी फिल्म बनाने वाला हूँ और तुम मुझे मना कर रहे हो? पूरी दुनिया हमारे फिल्म के बारे में बात करने वाली है, मेरे जैसे क्रिएटिव डायरेक्टर को मेंटल बोल रहे हो? बेवकूफ, वो बॉटल मुझे दे दो, यू पैथेटिक फूल्स। क्या ये सब? इससे ही तो मुझे इसके बारे में पता चला।
अरे वो अबे तेरी तो यहाँ से वहां क्या देख रहा है यार अरे काली आ गया क्या भागो भागो भाई नमस्ते भाई भाई नमस्ते भाई वो हरामजादे यहीं बार में है भाई उन तीनों को ढूंढो हाँ और मिलते हैं मुझे फोन करो ठीक है भाई ठीक है भाई पियो भाइयों जम के पियो तुम 10 बोतल पियोगे तो मेरी गर्लफ्रेंड 1 कप कॉफी पिएगी ऊपर वाले मैं दुआ करता हूँ कि इनका लीवर सालों साल तंदुरुस्त रहे ये तो कोई नया ब्रांड लगता है भाई गुड इवनिंग जेंटलमैन पैंट शर्ट बाय 1/4 प्लीज निकल यहाँ से नो प्रॉब्लम नो इशू सिटीजन है ही नहीं अरे यहीं पर है चल 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 ये बॉटल्स ये शीशा ये रातें आएगा मजा ए भाई तू मेरे लिए स्पेशल है तू यहीं पे रुकना ठीक है मैं अभी आता हूँ यहीं रहना जाना मत अपनी गर्लफ्रेंड को कॉकटेल की आदत डाल दी ना तो कॉफी का खर्चा बच जाएगा एक दिन में आदत डाल के ही रहूंगा ये सारी प्रॉब्लम खत्म ए अरे इस तरफ चल 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 भाई 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 वो हमारी बात कर दो भाई भाई ये जन क्लियरली बोलो एलंबू तू पास है तू बोल भैया वो थोड़ी देर पहले आप ढाबे से बोतल लेकर क्यों बोलता है जोर से बोल ना भैया इससे पहले वो ढाबे से आप बोतल लेकर आए हो ना वो बोतल हमें दे दो भैया तुम्हें देख के लगता है कि मैं खुद को आईने में देख रहा हूं एक बोतल के लिए मुझसे इतनी विनती कर रहे हो उधर जाओ वहाँ बहुत सारे बॉटल्स पड़े हैं जो चाहिए बोले लो चलो थैंक यू अरे बाप रे इतनी सारी बॉटल्स इतने सारे बॉटल्स पे मैं वो वाली कैसे ढूंढूं अरे ढूंढ यार चल चल ढूंढते तुझे ऊपर रखा था तू नीचे गिर रही है तू एक फॉरेन ब्रांड की तरह सुंदर है यह सोच के मैंने तुझे छुपाना चाहा और तू तू इधर उधर सीटियां बाजी कर रही है चल अंदर चल तेरी तो यहीं पे बैठे रहना अरे यार तुझे कहाँ बिठाता और कहाँ पहुँचती है तू मुझे चोट पहुँचाना चाहती है क्या दिखाऊं क्या चोट क्या होती है अरे ये क्या भाई डांटने से भारी क्यों हो गई मेरे डांटने से तू भारी क्यों हो गई तो फिर ठीक है तुझे मनाता हूँ अब जल्दी से हल्की हो जा हाँ ठीक है मुझे कंफ्यूज मत कर तू बाहर है या अंदर है मैं शीशे में डर के डर रहा हूँ यार अगर अंदर है तो मैं अब भी बाहर निकालता हूँ रुक जा मैं अभी तुझे निकालता हूँ अंदर क्या कर रही है खोल ए भाई भाई उसको खोल भाई बोलो छोड़ अरे भाई मत करो ऐसा भाई अंदर भाई ऐसा मत करो सब लोग निकल जाएंगे भाई प्लीज हम लोग को बंद करने के लिए ₹500 बोला क्या ठीक है दे
क्या करें भैया, अभी 5,000 दे देंगे। लेकिन पागल दिखता हूँ क्या? जो अभी लेके जाओगे पैसे कर लोगे। क्या किया? एक बोतल के लिए, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए जमा की हुई सारी बोतल तोड़ डाली। मैं इस बोतल को बोतल जो है वो जा रही है। क्या परेशानी है? उन लड़कों से भाई को क्या मिलेगा? बीवी बच्चों को छोड़कर रात भर भटकना पड़ रहा है। ओए, चलो भाई, ए, चल उस गली में चल। शशि, शशि, क्या भूत की तरह मेरे पीछे पड़े हुए हो? क्यों जे, मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें चैन नहीं मिला क्या? अरे देना, ये देखो, इसके वैल्यू है 10 crores। What? क्या वॉट? कितनी मुश्किल से हमने इसे हासिल किया है। इसे निकालने के लिए हम नाले में भी घुसे और तू वॉट बोल रही है? बिना सोचे समझे बोला मत कर। अरे और थोड़ी देर ढूंढते तो शायद तुम्हारा दिमाग भी मिल जाता। गेट आउट। शशि, शशि, सच में शशि, इसकी वैल्यू 10 crore है। ये दोगी तो काली 10 crore देगा। प्लीज बिलीव मी, यू गाइस विल नेवर चेंज। गेट आउट। मेंटल, ये लड़की एक नंबर की मेंटल है। अब यहाँ पर खड़े क्यों? चलो चलो। ए, वो देखो, वो रहे। ए, चल चल जल्दी चल। अरे तेज गाड़ी चलाना, चल। ए, तुम मूर्ति के फ्रेंड्स हो क्या? मूर्ति के फ्रेंड्स हो मतलब मेरे फ्रेंड्स हो? मतलब उसकी बैचलर पार्टी मतलब मेरी भी बैचलर पार्टी है। कम ऑन, लेट्स एंजॉय पार्टी। सुन, ये स्पेशल गेस्ट है, स्पेशल दारू दे भाई। नहीं मुझे नहीं। अच्छा अच्छा, पी लेता हूँ। एंजॉय द पार्टी। क्या है, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ यार, वही ठीक है, जो भी है चालू रखो। कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें।
करूं आंखों से ही जिंदा रे, मेरी आंखों से नहीं बचा कोई बंदा रे। फिर भी मरने के लिए लंबी लगी कतारे, मेरी गलियों में घूमे आशिक सभी कवारे। सारे हैं दीवाने मेरी मुस्कान के, देते सभी जान मुझ पे जान जाने के। अरे रे करूं मैं क्या तू ही बता रे 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 रे। हॉट से हॉट है नॉट मेरी आशा रे, देख जो लेगा वो रह जाएगा खुला रे। भाई बोलना। भाई आपको कभी इस तरह देखा नहीं, आपको ऐसे देखकर रोना आ रहा है। भाई बताओ ना क्या प्रॉब्लम है भाई, वो लड़के हैं क्या, पैसा है क्या? अरे भाई आपको पैसों की क्या कमी है, ऐसा लग रहा है आपकी जान उनके हाथों में है। सही कह रहा है, मेरी जान उनके हाथों में है। आपकी जान उनके हाथों में कैसे है भाई, उनकी जान आपके हाथों में होनी चाहिए। और कुछ बात है तो बता दो भाई। नहीं समझेगा। अरे क्या क्या बोल रहे हो भाई, मैं क्या नहीं समझूंगा, मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ? आज मुझे तुझे एक कहानी सुनानी पड़ेगी। भूत के साथ कैसे रहना भाई, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? तेरे साथ मजाक करूंगा तो मेरा साला है क्या? कितनों के साथ लोगों को संसार बसाते देखा है, भूत के साथ संसार बसाना कैसे? आप बड़े तोप हो भाई। भाई इस बारे में सिर्फ मुझे ही पता है, क्या मैं सिर्फ अकेला जानता हूँ? मुझ पे इतना भरोसा है, थैंक यू भाई। अरे मेरे प्यारे गब्बर सिंह, मुझको तुझे थैंक्स कहना होगा। मेरी जान उनके पास नहीं, उनकी जान मेरे पास होनी चाहिए। मैंने तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाई और जिसे भी ये पता चला वो जिंदा नहीं बचा, क्योंकि मैं उसे जिंदा ही नहीं छोड़ता। शशि का फोन है। हेलो शशि। तुम लोगों में अकल है या नहीं, क्या कर रहे हो? क्या हुआ शशि? मुझे शांति से जीने नहीं दोगे ना? अब क्या किया है तुम लोगों ने? क्या हुआ बताओ तो सही। तुम लोग कहाँ हो? अगर मैंने नहीं बताया तो मुझे मार देंगे, ऐसा कहा उसने। मार डालेगा बोला, कौन है वो? सब कुछ खत्म, अब हमें भगवान भी नहीं बचा सकता, तू सुन ले, हमारा खेल खत्म। ये बॉटल लेकर नहीं गए तो वो शशि को मार देगा, और लेकर जाएंगे तो वो भूत हमें मार देगी। शशि का पैसा खो दिया, करियर खो दिया, आखिर में उसकी जान भी चली जाएगी। नहीं यार, किसी भी तरह हमें जाना ही होगा। चलो अबे, उस काली को प्लेस तो बता दिया, वो आएगा ना? हे, उसके पास भी हमारी तरह कोई ऑप्शन नहीं है, वो जरूर यहीं पे आएगा। वैसे भी उसके बारे में सोचता हूँ तो ज्यादा डर लगता है। कहाँ? यहाँ पर। बाहर आ। पहले शशि को बाहर भेजो। आ आ, निकल 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 निकल। अबे, ये तो दूसरी बोतल। इसके कलर को क्या हो गया, ये कैसे बदल गई? कहाँ है मेरी बेबी?
ला रहे बेबी, सारा खेल खत्म, सब गड़बड़ हो गई। ओए, ये ओरिजिनल बॉटल नहीं है, ये हमें पता है, उसको पता नहीं है। सो, हमें किसी भी तरह शशि को लेकर आना है, ओके ना? तू टेंशन मत ले। कहाँ है मेरी बेबी? तू बता, शशि को भेज दे। मेरी बेबी कहाँ है? कहाँ है? तू बता, सवाल क्या है? उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी बेबी को बेबी सकते हो। शशि, तुम थोड़ा शांत रहो। अरे पहले ओरिजिनल बोतल कहाँ है ये जानना होगा। हाँ। मतलब बोतल, वो बोतल, बोतल, बोतल गई कहाँ? ढाबा, 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 ढाबा। हाँ। ढाबा के पास उसने मुझे कुछ दिया। हाँ, रुक जा, रुक जा। मिला, 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 मिला। देख, 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 देख। ये। अल्फ्रेड किशन। पता नहीं तू जब जिंदा थी तो मेरी फिल्म देखी या नहीं। कोई इंसान जब भगवान के पास चला जाता है तो उसका विश्वास बदल जाता है। तुझे अपनी फिल्म में लेके ये प्रूफ करूंगा मैं। असल में तुम्हारा रूप कैसा है मुझे नहीं पता। तुम भले काली हो या सफेद हो, I will get you the best makeup man. Now give me a welcome hug. You are my brain child. I am your godfather. Come, give me a kiss. Mwah. शुभ घड़ी आ गई। ओपन करने का टाइम हो गया। मैं ओपन कर रहा हूँ। तुमने कपड़े तो पहने हुए ना? अच्छा सुनो, ओपन करने के बाद गाली मत देना। ओह गॉड। अरे रुक जा, रुक जा भाई, रुक जा, खोलो मत। अरे पूरे दुनिया को एक स्टार से परिचय करवा रहा हूँ। अरे इसमें क्या है, जानते भी हो क्या स्टार? अरे छोड़ो ना। अरे भाई के लिए बहुत जरूरी है यार। अरे प्लीज भाई मेरी बात सुनो मत। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, खोलोगे तो खतरा हो जाएगा, प्लीज मत खोलो। शी इज माय ब्रेन चाइल्ड यार, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। अरे अबे यार, बॉटल तो मिल गई, पर ये घोस्ट राइटिंग कब तक चलेगी समझ में नहीं आ रहा। अब बोलो शशि, तुम्हारी जिंदगी के साथ हमने बेटिंग की है? अगर ऐसा होता तो हम तुम्हें वही छोड़ देते। हमारी वजह से तुम्हें कोई खतरा ना मोड़ना पड़े, इसलिए हमने मौत के साथ बेटिंग की। खोया हुआ तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस देने के लिए हम पूरी तरह से ट्राई कर रहे हैं। पैसे जब भी मिले हर बार पहले तुम्हारे पास ही आए हैं, पता है ना? शशि, तुम्हें जब पहली बार देखा तभी मैं पागल हो गया। प्लीज अंडरस्टैंड मी, मैं भी सिंसियर हूँ और मेरा प्यार भी सिंसियर है, और तुम्हारी हेल्प करने के लिए मेरे एफर्ट्स भी सिंसियर हैं। शशि, 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 thank you.
काली आ गई तुम। काली 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 यहाँ देखो, ये मैं अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ हाँ, हम फिर से मिल गए। काली काली मुझे ना ये शरीर बहुत पसंद आ गया है काली, अब ना मैं इसी में रहूंगी। मैं देखो देखो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी काली, मैं इसी शरीर में रहना चाहती हूँ काली, मैं यही रहूंगी काली। और ये लोग ना वापस काला जादू करेंगे और मुझे यहाँ से भगा देंगे। मार दो काली ने, मार दो, छोड़ मत काली ने। मैं देखता हूँ उन्हें। उन्हें मार दो काली। भाई प्लीज भाई, हमारी गलती हो गई, हमें माफ कर दो भाई। भाई आगे से ऐसा नहीं हो, चले जाएंगे। हां भाई प्लीज भाई, इस बार माफ कर दो, इस बार छोड़ दो, मार दो काली। भाई मैं करूं भाई, भाई ऐसा मत करो भाई, चली मार दो ना उन्हें। ये है क्या? छोड़ो मत, मार दो, जान से मार दो, जान से मार दो, छोड़ो मत, मार मार काली। मैं क्या करूँ ना काली, मार दो उन्हें, मार उसे भी, जल्दी मार दो, जल्दी मार दो। मेरा सपना, मेरी खोज अब जाके पूरी हो गई। दुनिया में जो किसी ने नहीं किया होगा वो करूंगा। एक भूत को स्टार बनाऊंगा, ये बॉलीवुड नहीं, टॉलीवुड नहीं, कोई भी नहीं, एक टेबलवुड को एस्टेब्लिश करूंगा और वो भी बड़े तरीके से प्रेजेंट करूंगा। तुम्हारे फेस पे एक्सप्रेशन थोड़ा कम आ रहा है, इसलिए इसका एक्सप्रेशन देखो, जरा सीखो उससे कुछ। अरे उधर देखो जरा, हेलो हेलो एक्सक्यूज मी, यहाँ देखो जरा, फोकस 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 करो यार, तुझे स्टार बनाऊंगा, जिंदगी बना दूंगा तुम्हारी। तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में बता रहा हूँ, उसका नाम है रक्कू बाई। रति नाम की एक लड़की प्यार में धोखा खाने के बाद अपने प्रेमी से बदला लेने के लिए एक सड़े हुए बुढ़े से शादी कर लेती है। वहाँ पे रति सक्कू बाई से मिलती है। रति से मिलने के बाद सक्कू बाई को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी बेकार है, इसीलिए उसने अपने आप को खत्म कर लिया। उसी लाश से पैदा होती है रक्कू बाई। अब एक्सप्रेशन दो तुम, कौन देता है ऐसे एक्सप्रेशन? हेलो मैडम, हेलो मैडम, हेलो मैडम, इधर देखो, इधर देखो। कौन है तू? मैनेजर है क्या? तू कमीशन के लिए आया ना? मैं पैशन के लिए आया हूँ। एक सीन और एक फिक्शन के बीच में तेरा क्या काम है? चल निकल इस सीन में, फिर फोकस 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 करो। क्यों भाई, तूने इसे अपने कंट्रोल में रखा है? किसी कैरेक्टर से पंगा लेने पे क्या होता है पता है? सारे जहां से अच्छा क्रिएटर से बड़ा कोई नहीं लुच्चा। तू कौन है रे बच्चा? तू बड़ी स्टार बन जाएगी, फैंस आएंगे, ब्लड डोनेशन देंगे। वो ब्लड तू पी सकती है। इंदुमती 2, अरुंधति 2, बड़ी फिल्में दूंगा, कंचना 4 दूंगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में तू महारानी सावित्री बनेगी। तुझे ब्रेक देने वाला मैं ही हूँ। तुझे देख के हीरो शर्मा के मर जाएगी। सनी लियोन बायोपिक में बनाऊंगा। Yalla 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 yal
चली जा यहाँ से जा नहीं तो तेरा बहुत बुरा हश्र होगा। जा यहाँ से। हेलवेर तस्नरा मस्नरा सर्वेल। लाई लाई ले ला मोहम्मद रसूलुल्लाह। ताकत मिले मेरे अंदर अल्लाह, ताकि मैं इस पर काबू पा सकूं Here's the top 10.